एक पुरानी कहावत है कि भैंस जब भी करे गोबर ही करे। अब भैया भैंसें ना तो शौचालय में जा सकती और ना उनको स्वच्छता अभियान को कछु ज्ञान है। सुबह तो बेचारी जिते भी करें सो गोबर ही करें। लेकिन मध्य प्रदेश के सबरे भैंस मालिक ध्यान दो और कोशिश करो कि कौ से भैंसों के लाने डाइपर पहरा दो। काय के अब ग्वालियर में नगर निगम ने एक भैंस के मालिक पे 10,000 को जुर्माना ठोके है। काय के इनकी भैंस ने कर दई है सड़क पे गोबर करने की गलती। दरअसल ग्वालियर शहर में सचिन तेंदुलकर मार्ग पर रहने वाले बेताल सिंह की दो भैंसें मुख्य मार्ग पर पहुंच गई थीं। ये मार्ग पर सड़क बनावे को काम चल रहा तो ओई टेम जिले के कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर उतर पहुंचे और ओई टेम संयोग ऐसे बने कि भैंस ने नव निर्माण हो रही सड़क पर गोबर कर दो और इसे अधिकारी भड़क गए और इसके बाद नगर निगम कमिश्नर के आदेश पे भैंस मालिक पे 10,000 रुपया को जुर्माना लगाओ। जब उन्हें जुर्माना नहीं देवे के लाने गुहार लगाई सो नगर निगम के कर्मचारियों ने उनकी भैंसों को ले जावे की चेतावनी दी। इसके बाद भैंस मालिक बेताल सिंह ने जैसे तैसे 10,000 रुपया को जुर्माना तत्काल मौके पे भरे। कल कमिश्नर साहब की विजिट थी, विजिट के दौरान वहाँ के निवासरत जो बेताल सिंह जी हैं उनकी जो डेयरी है, डेयरी से उनकी भैंसें जो नवीन रोड का निर्माण किया जा रहा है उस रोड पर खुले में घूम रही थी। उसी दौरान कमिश्नर साहब ने हम सभी लोगों को निर्देशित किया कि इन पर जुर्माना करें या फिर इनकी भैंसों पर भैंसों को ले जाकर गौशाला ले जाया जाए। तो हम लोग मदाखलत अमले के साथ पहुँचे वहाँ पर और उनसे चर्चा की तो उनके द्वारा जुर्माने की राशि नहीं दी जा रही थी तो हमने उन पर कार्रवाई की। तो कार्रवाई के दौरान फिर उन पर हमने 10,000 रुपये का जुर्माना किया। जी उनके द्वारा जुर्माना तत्काल उसी वक्त मौके पर ही भर दिया गया था। स्वच्छता तो जरूरी है ही और स्वच्छता के अभियान में सहयोग करवो भी जरूरी है, लेकिन जानवरों के गोबर करवे की गलती एक जानवर मालिक पे 10,000 रुपया से भारी पड़े जो सोच के तनक तनक तो तरस आउती है। ग्वालियर से प्रदीप तोमर बुंदेली बौछार के लाने। बुंदेली बौछार की शानदार खबरों को देखने के लाने सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं तभी पूरी खबरें आपके पास आ पाएं।